तो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? जैसे कि हम फिट फाट है तो आप भी फिट फाट होंगे। तो यार आज का सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं तो नीचे इलेक्शन वगैरह कुछ है, तो देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, वोट तो देखते हैं क्या होता है। रियान ने कहा कुछ अच्छा सा माहौल है, तो चलो देखते हैं कि कैसा है। और हम जा रहे हैं कुछ चीज़ें भी लेने बाज़ार से, और अगर बाज़ार खुला हुआ तो लेंगे, अगर नहीं खुला हुआ तो फिर बंद है, सारा बंद है। तो यार यार अभी मैं उधर से निकल गया हूँ, उधर तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं बार बार जलसा कह लूँ, ये जलसा नहीं है, इलेक्शन है, सॉरी। तो गाइस अभी यार मैं आ गया हूँ और ये मैं अभी बाहर निकला हूँ क्योंकि ये जगह मुझे अपने गांव की सबसे ज़्यादा पसंद है। और यार अभी इलेक्शंस का टाइम है तो सब जगह बस खाली पड़ा है, एक बंदा मुझे नहीं दिख रहा, एक बंदा। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ नीचे बाज़ार पे, तो कुछ सामान है वो लेने, क्योंकि मैं एक बना रहा हूँ एक छोटा सा गत्ते का मस्जिद। तो देखते हैं कैसा जाता है, मैं अभी ये पिक्चर दे दूँगा, इस तरह मैं बना रहा हूँ, आप ख़ुद ही देख लेना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या आपको कैसे समझाऊँ, और वो मैं बना रहा हूँ हमारे अब्राहम के लिए। तो देखते अच्छा जाता है कि नहीं। तो गाइस यार मुझे सिर्फ मिला है ये ब्लैक स्प्रे, और कटर तो अवेलेबल था नहीं। कटर इसलिए चाहिए था क्योंकि वो कार्डबोर्ड की कटिंग करनी भी है, तो कटर की जगह चूरी आजमा लेंगे, जो कि देखते हैं काम करता है कि नहीं चूरी। यार मैं अभी आ चुका हूँ अपने स्टोर रूम में, और मेरे पास है कुछ चूरी और स्केल और पेंसिल, समझ रहे हो। और ये हैं वो चीज़ जो मैं इससे मस्जिद बनाऊंगा छोटा सा, तो इसको सबसे पहले लेकर अंदर चलते हैं क्योंकि यहाँ तो नहीं हो सकता, तो इसको चलते अंदर ले जाते हैं। गाइस ये आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना सा कर लिया, और आप अजान भी सुन रहे होंगे, तो जल्दी से अभी नमाज के लिए चलते हैं क्योंकि नमाज़ ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो नमाज पे। गाइस यार मैंने बहुत कुछ काम कर लिया है, और अभी मैंने उस पर कुछ स्केच वगैरह बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यार अभी मैंने सब कुछ काम कर लिया है, तो अभी मैंने कुछ स्केच वगैरह उस पर ड्रॉ किया उस कार्डबोर्ड पर, तो आप आपको दिखाता हूँ कि कैसे। ये कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ की है, आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, मैंने सब कुछ फिल कर लिया इधर, तो ये आपको सही से नज़र नहीं आ रहा, कुछ कुछ दिख रहा होगा, लेकिन ये मैंने अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और काम कल करूँगा इंशाल्लाह। तो ये कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो कल देखेंगे इंशाल्लाह कि क्या होता है। तो हेलो गाइस अभी सुबह हो गई है और मैंने इसमें कुछ टेपिंग कर ली है, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलो अभी इसको स्प्रे देते हैं कि इन सबको अभी ब्लैक स्प्रे देते हैं, समझ रहे हो ना। तो चलो अभी इसको स्प्रे करते हैं। तो ये वाला साइड तो हो गया, अब इसकी बारी है, तो चलो इसको भी टेप करते हैं। और यार अभी सबसे अच्छा काम जो मुझे लगता है वो आप देख ले अभी। तो गाइस यार अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैंने सब कुछ जो है ना ख़राब कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये देख लें, ये सब कुछ निकला हुआ है, ये सब कलर और ये ब्लैक ब्लैक कुछ, अब पट्टी के निशान को भी देख सकते हैं, इधर भी सब कुछ ख़राब हो गया। तो अभी मेरा प्लान है कि इसको थोड़ा अलग तरीके से अभी मैं कलर करूँगा, क्योंकि ये सब कुछ तो मैंने ख़राब कर लिया है। तो ये सब मैंने ब्लैक कर दिया है, और अभी मेरे पास सामान ख़त्म हो गया है, ब्लैक कलर ख़त्म हो गया है, और मेरे पास येलो भी नहीं था, और मैंने रियान को बोला कि येलो कलर ले आओ,
रियान ने क्या लाया पता है? रियान ने ये चीज़ लाया। वाह भाई, ये गाड़ी का कुछ क्लीनिंग का सामान है, ये ले आए। मैंने कहा ठीक है, हद है। और मेरे पास ब्लैक कलर ख़त्म हो गया और ये कमरे की हालत आप देख सकते हैं वैसे भी। तो यार अभी और सामान लाने तक वेट करते हैं। और वैसे तो मैंने इसका अभी पता नहीं, इसका तो मैंने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अभी देखते कि क्या होता है। तो फाइनली गाइस यार, हमारा मस्जिद जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सफर। लेकिन मुझे गलती भी हो गई, मेरे कपड़े सारे गंदे हो गए। मैंने उस पर पता नहीं स्प्रे कर दिया, कुछ कर लिया मैंने, पता नहीं सब गंदे हो गए पीछे से। और मस्जिद अभी रेडी हो चुका है। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनती, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ज़्यादा। तो चलो आपको भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा प्यारा सा मस्जिद, और इस पर धूल भी चढ़ी हुई है, लेकिन अभी इसको फिर साफ़ करेंगे। और ये हमने किसके लिए बनाया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, हमने बनाई है मस्जिद अमार के लिए। तो उसका नाम भी हमें हमने रखा है मस्जिद अमार। तो ये लगेगा, ये इधर लगेगा, देखना। तो ये हम लगाएंगे इधर, समझ रहे हो ना गाइस? और हाँ, इसमें अभी कट्स बाकी है, इधर ये जगह कट करूँगा तो फिर आपको सही से दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा है माशाल्लाह। और अभी तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा जगह का मसला है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा है माशाल्लाह। तो ये बैकग्राउंड कुछ ख़ास ठीक नहीं है, बस हमारा स्टोर है, स्टोर रूम है, तो उसमें मैंने रख दिया है। और अभी इसको अमार आएगा लेने। वाह भाई। तो यार बस यही था आज का व्लॉग। और ये मस्जिद बनाने में तकरीबन मुझे 5-6 days लगे हैं, लेकिन ये इससे जल्दी भी बन सकता था, लेकिन मेरे पास सामान नहीं था, सामान स्प्रेज नहीं थे। जब स्प्रेज मैंने लिए तो फिर ख़त्म हो जाते थे, फिर बाज़ार में नहीं मिलते थे। तो इसी वजह से टाइम थोड़ा लेट हो गया दिन, वरना ये तो बस 2 दिन में हो जाता। और यार बस वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अभी मेरे दिमाग से बोझ हट गए हैं। तो बस यार यही था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। तो फाइनली गाइस, ये अभी रेडी हो चुका है मस्जिदुल अमार, ये आप देख सकते हैं, जो कि यार मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा प्यारा बना है माशाल्लाह। ये गुंबद वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से बने हैं। और तो चलो बस, तो ये मस्जिद जो है ऑर्डर पे बना है, और देखते हैं कि अमार को पसंद आता है कि नहीं ये मस्जिद कैसा बना है। गाइस मेरी मेहनत देखे, अपने हाथों से बनाया है।